फ्रेंड्स, हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो, टॉपिक नहीं पॉइंट बोल सकते हो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ये क्या होता है ना, हमें बहुत ही ज़्यादा अप्लाई, वैसे हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने लगभग काफ़ी जगह हम लोग आ जाता है तो उसको अप्लाई करते हैं, तो हमें इसको सीखना है बहुत अच्छे तरीके से, इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो हमने अभी नाम दिया है क्या, ग्रेटर, ठीक है, इंटीजर, और ये रियल नंबर्स के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो इसको थोड़ा समझना है तुम्हें, बहुत ही आसान बात है फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को हम लोग, जैसे मान लिया कोई एक्स, हमारे पास कोई नंबर है और उसको ग्रेटर इंटीजर साइन को हम कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट टाइप में बनता है, देखो ध्यान से देखो तो बड़े ब्रैकेट टाइप में बनता है, लेकिन इसको एक्चुअली हम पढ़ते गए ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, इसको पढ़ते गए ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये तो इसकी जो ग्रेटर इंटीजर एक्स की जो वैल्यू होगी, ये तो ये एक्स के इक्वल होगी या तो इससे छोटी होगी। मैंने क्या बोला, समझा एक बार आपने ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये तो इसके ये इक्वल होगी, ये तो इसके क्या होगी, मतलब कि छोटी होगी एक्स से। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं लेस लेस आर इक्वल, ठीक है, टू एक्स, इसकी वैल्यू। इसको हम थोड़ा अच्छे से, मतलब सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाता हूं मैं थोड़ा। सपोज को मैं इसको नंबर लाइन पे डिनोट करता हूं 2D प्लेन में कुछ इस टाइप से। ठीक है, 2D प्लेन ऐसे मान लो नंबर लाइन पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये मान लो 1 है, ये मान लो ओरिजिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये हो गया -1, -2, -3, -4 एंड -5, कुछ इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं ने डिफाइन कर लिया है कि ग्रेटर इंटीजर 2, तो मैं आपको बता दूं ग्रेटर इंटीजर 2 इज इक्वल टू होता है 2। ठीक है, नाम से देखो ग्रेटर इंटीजर, मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू देगा वो एक इंटीजर होगा, वो एक क्या होगा, इंटीजर होगा। डेसिमल फॉर्म में आएगा तो भी हमें इंटीजर में राइट करना होगा, किसी भी फॉर्म में हो हमें यहाँ पे जो इसकी मान राइट करना है वो एक इंटीजर ही होगा, बस इतना आपको माइंड में रखना है। तो 2 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तभी लगा था लेस आर इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है थोड़ा नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो लिया है 3, -2 ले लो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे -2 में शायद प्लस हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, -2 भी एक इंटीजर है तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये भी डायरेक्टली -2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 3.1 लिया है, तो भी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, बोला ना लेस आर इक्वल टू एक्स, तो ये तो x के इक्वल होगा, ये तो x से छोटा होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 3.1 है। ठीक है ना, तो अब आपका इसका नियरेस्ट जो इंटीजर है लेस में वो क्या है, 3 ही है, तो आप 3 लेंगे। ठीक है, लेस में लेना है ना कि ग्रेटर में लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो 3.9 राइट कर दिया फ्रेंड्स, 3.99 राइट कर दिया, तो भी आप 3 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर फॉर्म नहीं है, और इससे जो सबसे छोटा इंटीजर है वो फ्रेंड्स वो क्या है, 3 ही है, जो कि नियरेस्ट है, सबसे छोटा हो लेकिन नियरेस्ट हो, इस इंटीजर के नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है जो कि इससे छोटा है, वो 3 ही है, अदरवाइज ये तो बड़ा है, ये तो बहुत ही छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा, 2 और 1 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 3 लेंगे, बिकॉज नियरेस्ट हमें लेस देन लेना है, ना कि बहुत ज्यादा दूर का, क्योंकि दूर तो यहाँ पे 2 और 1 भी हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेना है हमें, उसके नियरेस्ट लेना है। ठीक है, तो लेस में जो नियरेस्ट कौन है, 3 है, इस नंबर के जो लेस में नियरेस्ट इंटीजर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमें काम क्या करना है। चलो एक बात और आपके साथ टेस्ट कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, हमने जैसे मान लो ले लिया कि -1.1, ठीक है, अब इसमें अच्छा सोचो, तो आप बोल रहे होंगे इससे छोटा -1, मैं बोलूंगा रॉन्ग है, मैं बोलूंगा क्या है, रॉन्ग है, बोलोगे सर अभी तो आपने बताया, भाई अभी मैंने बताया जो है वो पॉजिटिव नंबर में था, अब ये बताओ -1.1 से -1 बड़ा या छोटा, आप पहले ये बताओ मुझे, बड़ा या छोटा, बड़ा है ना, ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है ना, तो बड़ी है, जिसका मतलब हुआ कि ये तो हम ले नहीं सकते, हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, तो इससे छोटा वैल्यू क्या होता है, इसके नियरेस्ट जो छोटा वैल्यू होता है वो -2 होता है, क्या होता है, -2 इससे छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, यही आपको थोड़ा समझना है, इधर -2 से क्या होता है, छोटा होता है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे -1 ना लेकर मैं लूंगा -2, क्योंकि मुझे छोटा वैल्यू लेना है,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना एक एक पॉइंट? तो ये माइनस की वैल्यू से अकॉर्डिंग आप थिंक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो छोटा होगा बोलेंगे। तो माइनस 1.1 में इधर से समझो, ठीक है, तुम इससे जो छोटा वैल्यू होगा वो ये होगा, ठीक है। तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग में समझाता हूँ, थोड़ा समझना है आपको। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर होता है, यहाँ पे समथिंग कोई भी नंबर, यानी कि 0.9 या 0. तो वो जीरो पे ही स्थित होगा, वो किस पे? जीरो पे ही स्थित होगा, ठीक है। इसमें जो भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.999, तो वो कहाँ पे जाएगा? जीरो में ही जाएगा। मतलब इस पूरे नंबर में कोई भी नंबर कहीं से भी होता है यहाँ तक, तो वो कहाँ आता है? वो जीरो में ही आता है। वो कहाँ आता है? जीरो में ही आता है, यहाँ तक के जितने भी नंबर आते हैं वो सब जीरो में आता है। क्लियर हो गया? अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर, अब यहां से यहां तक, मतलब यहां से लेकर इसके यहां तक, मतलब वो टू ना होकर टू के अंदर जितने भी वैल्यू हैं वन के ऊपर, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3 समथिंग, 1.9999, मतलब टू ना होकर इतने कुछ भी हो, तो इससे जो नियरेस्ट इंटीजर मुझे मिलेगा वो वन मिलेगा। तो यानी इसके लिए जो मुझे मिलेगा वो वन मिलेगा फ्रेंड्स, तो वन होगा इसके लिए। ये सभी वैल्यू यहां से यहां तक के सभी वैल्यू के लिए कौन मिलेगा? हमें वन मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट समझ लेना है कि यहां पे मान लो हमारे पास 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 उसके लिए भी हो तो हमें क्या मिलेगा वो, और 2.999 तक भी, तो मतलब जस्ट यहां भी हो, यहां या फिर एकदम पास में हो, खाली 3 ना होकर एकदम पास में हो, तो भी हम 3 नहीं लेंगे, तो भी हम उसका 2 ही लेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, हाँ ठीक है, माइनस में क्या करना है आपको समझना है। जैसे मान लो 0. माइनस की 0. समथिंग कुछ भी होता है फ्रेंड्स, तो आपको क्या लेना है, इसके बीच में कुछ भी होता है तो आपको वन लेना है। क्या लेना है फ्रेंड्स? वन लेना है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आती है, मतलब 0.1, 0.2, 0.999, तो उसके लिए भी यहाँ से भाई ये होता है 0.999, 0.1, 0.2 समथिंग कुछ भी होता है तो वो क्या आता है, इधर 0.999, इधर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सॉरी 0.999, इधर 0.1 यहाँ पर होता है, ठीक है। और उसके बाद तो कहने मतलब ये है कि अब उस कुछ भी हो यहाँ पर वो माइनस वन में जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी यहाँ तक, वो सभी वैल्यू किस में जाएंगी? टू में जाएंगी, क्योंकि माइनस वन पॉइंट समथिंग कुछ, तो उससे छोटा जो वैल्यू आता है वो टू आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां तक की सभी वैल्यू को, वो कौन कन्वर्ट करेगा? थ्री लेगा, ठीक है। यहां तक की सभी वैल्यू को कौन कन्वर्ट करेगा? फोर लेगा, यहां तक की, ठीक है। यहां तक की सभी वैल्यू को कौन कन्वर्ट करेगा? फाइव लेगा, ठीक है ना। यहां तक की सभी वैल्यू को कौन लेगा? फाइव लेगा। तो इस टाइप से, मतलब इनके बीच में कोई जीरो। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है ग्रेटर इंटीजर में, किसका काम क्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।